नमस्कार। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने स्किन का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो अगर हम सोने से पहले अपने चेहरे पर ये सारी चीज़ें लगाएं, तो इससे हमारे चेहरे की स्मार्टनेस बढ़ जाती है। हम दिन भर इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद के ऊपर, खुद की स्किन के ऊपर, खुद के चेहरे की स्किन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने डेली रूटीन लाइफ में करें, या रात को सोने से पहले, या दिन भर में हमें जब भी टाइम मिलता है अगर हम इनका यूज़ करते हैं, तो हमारे चेहरे की स्मार्टनेस बढ़ जाती है, ग्लो बढ़ जाता है। लगातार 7 दिन तक इन चीज़ों को अपने चेहरे पर लगाएं, इस्तेमाल करें, फिर देखिए धीरे धीरे आपके चेहरे का ग्लो बढ़ने लग जाएगा। आज हम ऐसी ही 9 चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है कच्चा दूध। कच्चा दूध सबसे अच्छा एंटी क्लीजिंग का काम करता है। ये डेड स्किन को निकालता है, स्किन का ग्लो बढ़ाता है। स्किन को टाइट रखने के लिए कच्चा दूध सबसे अच्छा होता है। कई सारे ब्यूटी पार्लर्स में भी कच्चे दूध का इस्तेमाल किया जाता है बॉडी को और चेहरे की स्किन को क्लीन करने के लिए। अगर हम रात को सोने से पहले कच्चा दूध चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। या फिर इसकी जगह हम साबुन या फेस वॉश का यूज़ बंद कर करके कच्चे दूध का उपयोग करें। जैसे कच्चे दूध को बेसन के साथ मिला करके अगर हम बॉडी में लगा करके नहाते हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और इसका फ़र्क आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद आता है एलोवेरा। एलोवेरा आजकल हर जगह आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो मार्केट में एलोवेरा जेल्स भी मिलते हैं, उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो एलोवेरा के यूज़ से हमारे चेहरे पे ग्लोनेस तो बढ़ती ही है, साथ में ये ड्राइनेस भी दूर करता है। अगर डेली रात को हम सोने से पहले एलोवेरा जेल रात में लगा करके सो जाएं, तो और कुछ देर बाद ये सूख जाता है। फिर उसके बाद सुबह उठ करके चेहरा धो लें, क्योंकि सूखने के बाद ये चिपचिपा वगैरह कुछ भी नहीं रहता, एकदम नॉर्मल स्किन की तरह रहता है। तो आप चाहें तो रात भर लगा करके भी सो सकते हैं और चाहें तो 15-20 मिनट बाद धो भी सकते हैं। तो इससे हमारे चेहरे में गजब का ग्लो आता है। इसके बाद है गुलाब जल। गुलाब जल के यूज़ से हमारे चेहरे की स्किन की सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। अगर हम गुलाब जल को दिन में 2-3 बार या रात को सोने से पहले कॉटन की मदद से चेहरे पर लगा करके सोते हैं और फिर रात को ही धो लें कुछ देर बाद, 15-20 मिनट बाद, या सुबह धोएं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि हमारी स्किन पहले की अपेक्षा कितनी सॉफ्ट होती है और बहुत ही क्लीन दिखती है। इसके बाद आता है आलू का रस। आलू का रस रंग को साफ करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इससे हमारे चेहरे की चमक भी बढ़ती है और जो दाग धब्बे होते हैं आजकल और झाइयाँ होती हैं, उनको भी ये दूर करता है। आजकल जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, कितने कॉस्टली होते हैं और कितने केमिकल युक्त होते हैं, वो सब हमारे स्किन को बहुत हद तक नुकसान पहुँचाते हैं। कई लोग इनका यूज़ नहीं कर सकते। आजकल अलग अलग ब्रांड के आ रहे हैं, किस पे कितना ट्रस्ट किया जाए। हर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे स्किन पर सूट भी नहीं करता। तो ये नेचुरल चीज़ें यूज़ करके हम अपने स्किन की ग्लोनेस, स्मार्टनेस को बढ़ा सकते हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और रिजल्ट्स ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद है नारियल का तेल। नारियल के तेल की हल्की मालिश अगर हम करते हैं बॉडी पर, चेहरे पर, तो इससे जितने भी रिंकल्स हैं दूर होते हैं। जो केरल की महिलाएं होती हैं, केरला तरफ की महिलाएं होती हैं, उनको देखा होगा, उनकी स्किन और उनके बाल मतलब गजब के होते हैं। उनकी स्किन की सॉफ्टनेस, हेल्दी स्किन होती है उनकी। उसका एक ही राज है, उधर के लोग नारियल के तेल का यूज़ करते हैं और उधर पर नारियल का तेल बहुत ही आसानी से और शुद्धता वाला मिल जाता है। तो उधर खाने में भी वो लोग नारियल का तेल यूज़ करते हैं, स्किन में लगाने में भी नारियल का तेल यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है शहद। शहद में अगर हम नींबू का रस मिलाकर लगाते हैं, तो इससे हमारे दाग धब्बे दूर होते हैं और रंग साफ होता है। बेसन में दही मिलाकर लगाने से ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। आपको याद होगा, राजीव जी का एक वीडियो सुना होगा, ये जितनी भी हीरोइंस होती हैं
तो ये नहाने के लिए और बॉडी के लिए कभी भी साबुन या किसी भी प्रकार के बॉडी सोप या केमिकल वाली कोई भी चीज़ों का यूज़ नहीं करती। एक राजीव जी का वीडियो था जिन्होंने उसमें बताया था कि हेमा मालिनी जी बेसन में दही मिला कर के नहाने के लिए इसका यूज़ करती हैं। और आप खुद जानते हैं कि हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है उनकी सुंदरता की वजह से। इसके बाद आता है खीरे का रस। इसमें नींबू का रस मिलाकर अगर चेहरे पर लगाते हैं तो रिंकल से बचाव होता है, स्किन भी सॉफ्ट होती है। ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, इनका यूज़ कीजिए और आप खुद पाएंगे कि हमारे स्किन में क्या बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।